हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ, जितने भी हमारे वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं इनके मिथ के बारे में है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो आपको कंफ्यूज करता है कि आप जो है वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने एक मार्केट का रिसर्च किया, इसको देखा है कि जो भी कंपनियाँ प्रोडक्ट्स बेच रही हैं वो सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं कि ये इससे वेट लॉस होता है, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है। पिछले आप अगर सर्व गूगल में आप अगर सर्च करेंगे तो अगर आप ग्रीन टी डालिए, उसमें आप न्यूज़ पे जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनका 10 ईयर्स में कितना ज़्यादा इनका मार्केट हो गया है। ये सिर्फ जो कंपनियां हैं फूड प्रोडक्ट्स का, ये एक एक डाइटिशियन को, जो कि जिनका कि बहुत नाम है, उन डाइटिशियन को ये एक एक वीडियो बनाने के बहुत सारे पैसे देते हैं, जिससे कि आप लोग को ऐसा लगे कि आपका इससे के हेल्प से वेट लॉस हो जाएगा। मैं एक एक करके प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ। जैसे आपको पता है ग्रीन टी, ग्रीन टी अच्छी है, ख़राब नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, लेकिन ग्रीन टी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपके ब्लैक टी में भी है। ऐसा नहीं है कि खाली ग्रीन टी में ही है, ब्लैक टी भी अगर आप पियेंगे विदाउट मिल्क एंड शुगर तो उसका भी वही इफ़ेक्ट आएगा जो एक ग्रीन टी का इफ़ेक्ट है। क्योंकि जो मेन जो केमिकल कंपाउंड्स है जो कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, हमें एनर्जी फील करता है, वो सेम ग्रीन टी में भी है और हमारे ब्लैक टी में भी है। लेकिन ग्रीन टी जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो हमें बेच रही हैं, डाइटिशियंस बता रहे हैं, मैं भी एक डाइटिशियन हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि हमने इतने लोगों का वेट लॉस किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको ग्रीन कॉफ़ी ले लें, ग्रीन टी ले लें तो क्या वेट लॉस होगा। आप कोई भी ये प्रोडक्ट ले लेंगे आपका वेट लॉस नहीं होगा। जब तक कि मेन वेट लॉस का क्या है, आप जितना काम करें उससे कम खाएंगे, मतलब कैलोरी जो है आपके वर्कआउट में ज़्यादा होगी तभी आपका वेट लॉस होगा। तो पहले ये कही मैंने ग्रीन टी की बात। सेकंड प्रोडक्ट आजकल आप लोग सुन रहे होंगे ग्रीन कॉफ़ी, वो भी सेम वैसा ही है। प्रोटीन बार्स, प्रोटीन बार में इतने ज़्यादा जो वो लोग जो यूज़ करते हैं, इतना उसमें प्रिजर्वेटिव है, पैकेजिंग है, वो कोई भी आपके हेल्थ को बेनिफिट नहीं पहुँचा रहा है। दूसरा माचा टी, माचा टी नया आजकल एक आ रखा है कि माचा टी वेट लॉस में हेल्प करती है। ये सब जापनीज़ चाइनीज़ ये लोग बहुत सारे टीज़ यूज़ करते हैं, अलग अलग टी के फ्लेवर हैं जो आपको पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब टी का भी कोई भी वेट लॉस में इफ़ेक्ट है। तो जैसे ग्रीन टी हो गई, आपकी ग्रीन कॉफ़ी हो गई, माचा टी हो गई, प्रोटीन बार्स हो गई एंड प्रोटीन पाउडर्स हो गए, जो मसल्स गेनिंग वाले प्रोटीन पाउडर हैं, दे वो सारे एक केमिकल्स बंडल हैं। जितने आप ये केमिकल आप खा रहे हैं, जितना भी आप प्रोटीन पाउडर पी रहे हैं, मींस क्या है वो, आप कोई भी प्रोटीन पाउडर लीजिए अगर वो प्लांट बेस्ड है तो वो अच्छा है फिर भी, लेकिन जो मसल्स गेन्स के बहुत सारे प्रोटीन पाउडर हैं वो आपके किडनी पर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा मेन ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप गूगल में जाके एक भी प्रोडक्ट डालिए, चाहे ग्रीन कॉफ़ी, चाहे ग्रीन टी, या जो भी हमारे इस तरह आजकल माचा टी, इसको पीने से वेट लॉस हो रहा है, ये सारे एक मिथ हैं। जब तक आप अपनी कैलोरी इनटेक में और पोर्शन साइज पे कंट्रोल नहीं करेंगे आपको वेट लॉस नहीं होगा। आप कितनी भी ग्रीन टी पी लें, कितना भी आप माचा टी पी लें, आप स्मूदी ट्राई कर लें, ये वो, इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ों से कोई भी वेट लॉस नहीं होना। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, सारी अमेरिकन कंपनीज, फूड कंपनीज ये हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए हमको जो कंफ्यूज कर रही है। जो आपने हमेशा खाया किनुआ, एक किनुआ, जो किनुआ है वही रामदाना है, हमारे इंडिया में हम लोग का रामदाना है। रामदाना की फैमिली जो जिस प्लांट से आता है और जो किनुआ की फैमिली है वो सेम ही है। हम अपने इंडिया की चीज़ खाएं जो रामदाना है, ऐसे आपने चिया सीड की, चिया सीड अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप चिया सीड की पुडिंग खाएंगे, चिया सीड की स्मूदी खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, तो ये एक मिथ है। ये कहने का मतलब नहीं है कि चिया सीड ख़राब है या सनफ्लावर सीड ख़राब है, पम्पकिन सीड, दे ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट, जैसे फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है, लेकिन इनके स्मूदी या इनको डाइट लेने के लिए आपका वेट लॉस हो जाएगा
तो वो ऐसा नहीं है जब तक कि आप अपना, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्स, मतलब हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर की बनी हुई है, तो बेसिक है कि आप 70% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दीजिए, 30% अनाज लीजिए। अगर इस तरह का आप अपना डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस और कोई भी आपको हेल्थ इश्यू नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, 70% हमारा ग्रेन्स रहता है, दालें रहती हैं, और हम केवल 30% जो है वो हमारा क्या रहता है, फल और सब्जियां रहता है। हमको फल और सब्जी आपको 70% लेनी है और आपको 30% में बाकी चीज़ें लेनी है। तो ये जितनी चीज़ें हैं आपकी, चिया सीड, किनुआ, प्रोटीन बार्स, प्रोटीन पाउडर्स, ये आपके जो वेट लॉस ड्रिंक्स, ग्रीन टी, माचा टी, ग्रीन कॉफ़ी, ये सारे, इन सब में पैसे मत वेस्ट करिए। सिर्फ आप का जो होम बेस्ड फूड खाइए, और सबसे अच्छा है जितना आप वर्कआउट करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज को जरूर करिए, जिससे कि आपका वेट लॉस होगा। ये फूड कंपनीज हम और डाइटिशियंस को हायर करके अपने एक एक वीडियो बनाने के लिए पैसे देती हैं, जिससे कि लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदो। वो करोड़ों कमा रही हैं, कंपनी करोड़ों कमा रही है, लेकिन आप सबने अनुभव किया होगा, मेरे भी बहुत से क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि ये ग्रीन टी पी लें, माचा टी पी लें, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ भी पी लें, वेट लॉस नहीं होगा, वो बॉडी को इफेक्ट करेगी, एंटीऑक्सीडेंट है, वो चीज़ें खराब नहीं है। लेकिन ये एक स्लोगन लगाना कि ग्रीन कॉफ़ी से वेट लॉस होगा, ग्रीन टी से वेट लॉस होगा, ये सही नहीं है। मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नीचे लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे न्यू रेसिपी के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कोई पर्सनल मैसेज भेज के कोई भी डाइट प्लान या क्यूरी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।